नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और करंट अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो 8वां लेक्चर है टॉप 500 की सीरीज में। आप लोगों को पता है कि हम लोग जनवरी से लेकर अगस्त तक के टॉप 500 क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें आज 8वें लेक्चर में आप लोग 351 से लेकर और 400 क्वेश्चन तक देखेंगे। शानदार क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चनों में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो जबरदस्त ताकत रखते हैं परीक्षा में आने की। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। समय इम्पॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी, तो आगे बढ़ते हैं। 351वां क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN एक संस्था है जो कि दुनिया भर की जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु है, उसमें जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो खतरे में हैं, उनके बारे में रेड डेटा बुक रिलीज करता है। 1963 से संस्था है और इसके आधार पर कैटेगराइज करता है कौन से स्पीसीज, कौन से जीव जंतु बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कौन खतरे में हैं, कौन खतरे से ज़्यादा स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने जो ICUN हैज़ अप्रूव्ड ट्रांसकोलेशन ऑफ चीता इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से कुछ चीता की वैरायटी इंडिया में लाई जाएंगी, वो किस देश से लाई जा रही है? आंसर है नामीबिया। अच्छा क्वेश्चन है, नामीबिया से कुछ चीता का ट्रांसकोलेशन होगा इंडिया में और वो देश है नामीबिया, अफ्रीका कंटिनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इंडिया वॉज द डैश एमिटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब भारत की दुनिया में कौन से नंबर की रैंकिंग है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, है ना? आपको पता है कार्बन के उत्सर्जन में बहुत बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है कि कैसे इसका कम हो सके। दुनिया में सबसे नंबर एक पे चाइना है, उसके बाद आपका US है, USA है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है और फिर भारत है। तो भारत का नंबर कौन सा है जी? 4th है जी। 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाला देश है, चाइना सबसे ऊपर। एक क्वेश्चन 50 बार परीक्षा में पूछा जा सका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना हेल्ड एट चेंगडू चाइना फ्रॉम दिसंबर 10 टू 23 2018, मतलब दिसंबर 2018 में भारत और चीन में के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ था जो कि चाइना के चेंगडू में ही हुआ था। चेंगडू के नाम से इनका एक फाइटर प्लेन भी है, उसका नाम क्या था? तो हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड, याद रखना है। परीक्षा में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 354वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चमकता हुआ। और 354वें क्वेश्चन से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ना, अगर आपको लगता है कि इस पे वर्थ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। लोअर UP पुलिस SI और जितने भी बड़ी परीक्षा आने वाली हैं सबके लिए इसमें चीज़ों को कंप्लीट तरीके से कराया जाएगा, तो निश्चिंत होकर आप इस पे चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में OPEC जो कच्चा तेल उत्पादक जो देश है उनकी संस्था है OPEC, है ना, उससे एक देश को बाहर किया गया, वो देश कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ज़्यादातर गल्फ के देश है, इसमें कतर को बाहर किया गया है। बाहर भी इसलिए क्योंकि कतर पे अमेरिका की टेढ़ी नज़र है और सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं। कतर पर के ऊपर कई सारे बैन लगाए थे, कतर का साथ देने वाले देशों में ईरान और चाइना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 355वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? कतर। गैस सबसे ज़्यादा कतर ही बनाता है भैया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम भी नहीं किया है। चलो, करीब $93,000 इनकी पर कैपिटल इनकम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्या कह रहा है 356वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज क्राउन मिस वर्ल्ड 2018 एट कंटेस्ट इन सान्या चाइना 2018 दिसंबर 2018 में जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई थी चीन में, चीन के सान्या शहर में, उसमें किसको मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था? तो ये थी मैक्सिको की वेनिसा पॉन्से, नाम रखना मैक्सिको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट ऑन दिसंबर 6 2018 अप्रूव्ड एन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी विद एन एम टू डबल द शिपमेंट टू बाय 2022, मतलब ये गड़बड़ क्वेश्चन आएगा नहीं कि कितने का एक्सपोर्ट पॉलिसी में कितना $60 बिलियन के आसपास के लिए इन्होंने एम रखा गया है कि शिपमेंट को $60 बिलियन तक अब तक जो एक्सपोर्ट है वहाँ तक हमको पहुँचाना है। और इसकी वजह से सारी कवायद ये है कि 2022 का जो लक्ष्य है किसानों के इनकम डबल करने का, तो इस सेक्टर को इसके लिए ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाए जिससे जो हमारा एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो इंक्रीज़ हो सके और इंक्रीज़ होकर $60 बिलियन तक पहुँच सके, जो कि असंभव सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, ये गलत बेकार क्वेश्चन आएगा नहीं इसका ना, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का. सीधे 359वां क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एट चीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको घोषित किया गया है? भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट किसको घोषित किया गया भैया, पेपर में हमेशा आता है, और यह है के वी सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिनयू मैत्री 18, ये इस नाम से एक प्रकार से ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी इंडिया और जापान के बीच में, है ना. तो इसमें कौन सी विंग का मिलिट्री एक्सरसाइज थी, स्थल सेना थी, एयरफोर्स थी या नेवी थी? तो ये दोनों देशों की एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज था ये, ठीक है. किस नाम से? शिनयू मैत्री 18, डन. चलो जी, इंपॉर्टेंट है ये भी और इंपॉर्टेंट है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, विपो एक संस्था है जो कि दुनिया में जितने भी पेटेंट वगैरह के काम होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार, उसके ऊपर बातें करती है. तो उसने बताया कि भारत में जो पेटेंट कराने की जो दर है पिछले एक वर्ष में कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो 50%. मतलब भारत के लोग अब ज़्यादा नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, उसमें पेटेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये दर कितनी से बढ़ी है, 50% बढ़ी है. 365वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और एक 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इंदिरा नेवी के नाम से एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, ये इंदिरा नेवी है ना, ये भारत और रशिया के बीच में उनकी नेवल एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास था, जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में हुआ था. कहाँ पे? विशाखापट्टनम में. चलने दो तीन चार के, ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट कभी नहीं आता इसमें, डेट कभी नहीं आता, ईयर आ जाता बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 366वां क्वेश्चन, कह रहा है आप लोगों से कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मिस वर्ल्ड, भारत की तरफ से 2018 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए किसने भाग लिया था? तो आंसर है अनुकृति वास, फेमिना मिस इंडिया थी 2018 की, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट इट्स 23rd डिस्ट्रिक्ट दिसंबर 19, मतलब किस राज्य में उसको 23वां डिस्ट्रिक्ट मिला है अभी हाल ही में, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है शियोमी, है ना. नॉर्थ ईस्ट में जो भी एक्टिविटी होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश को 23वां डिस्ट्रिक्ट बना है, अरुणाचल प्रदेश में 23rd डिस्ट्रिक्ट डेवलप हुआ है, 23वां जिला. 368वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, 368वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंडिया का, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सेकेंड एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट. आंध्र प्रदेश का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? विजयवाड़ा, अभी हाल ही में शुरू हुआ है विजयवाड़ा. नेक्स्ट, केरला भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, चौथा कौन सा बना है? आंसर है कन्नूर. कौन सा है? कन्नूर. चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन ऑल कोर्सेज एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल कोर्सेज. मतलब वो कौन सा स्टेट है जिसने बालिकाओं के लिए फ्री शिक्षा दे दी है उच्च स्तर तक? कौन सा स्टेट है? गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश? तो आंसर है तमिलनाडु. नेक्स्ट स्टेट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. 371वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लोकेशन ऑफ एक्सरसाइज अवियेंद्र, या ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी इंडिया और रशिया की, ठीक है ना जी, इंडिया और रशिया की अवियेंद्र. नेवी वाली तो विशाखापट्टनम में हुई थी याद है, और ये अवियेंद्र कहाँ हुई थी? एयरफोर्स वाली जोधपुर में, बहुत बड़ा बेस है जोधपुर में हम लोगों का, है ना, जोधपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग ए टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज. जो रेलवे है सबसे बड़ा ब्रिज बना रहा है वो किस राज्य में है? ये आ गया ना, 141 मीटर ऊंचा एक ब्रिज होगा, ठीक है, ये किस राज्य में बन रहा है? राज्य इंपॉर्टेंट है, मणिपुर. कौन सा इंपॉर्टेंट है? मणिपुर. में इसके बाद क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कि ये चीज़ें सब करेक्ट ही हो. आंसर इसका मणिपुर आंसर है, ठीक है. तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस राज्य में बन रहा है? मणिपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंटली रिलीज्ड बुक ऑथर्ड बाय साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनकी भी हाल ही में बुक आई है, है ना, उनके जाने के बाद. वो कौन सी बुक है? ए ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन, बड़े प्रश्नों के लिए छोटे जवाब, ठीक है, मतलब किताब के हिंदी कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन बना है दिसंबर में, नवंबर में? यूपीएससी के नए चेयरमैन सक्सेना साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है भैया? सुनील अरोड़ा। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया कि इनको वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का भी चेयरमैन बनाया गया। अभी कल ही न्यूज़ आई थी विश्व की जो निर्वाचन एक बहुत गवर्निंग बॉडी है ना, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और उसका कार्य होता है विश्व भर में अलग अलग देशों अलग अलग संस्थाओं को चुनाव किस प्रकार ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसके लिए गुण सिखाना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। भारत में तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आर्टिकल 324। चलिए, नागेश्वर राव गुंटूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ, नागेश्वर राव गुंटूर को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, सी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 377वां। हमारे वेंकैया नायडू जी ने डेरा बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर है, भारत पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर बन रहा है क्योंकि करतारपुर पाकिस्तान में है और वहाँ पर ये गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक का, उसके लिए कार्य शुरू हो चुका है जिसकी आधारशिला रखी थी भारत में वेंकैया नायडू जी ने, कहाँ पे? तो आंसर आपका आएगा गुरदासपुर। क्या है? गुरदासपुर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रशिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री अब थल सेना वाला, नेवी भी हुआ वायु भी हुआ अभी थल हो रहा है, तो इसका नाम क्या है? इंद्रा अवियंद्र, ध्यान दीजिएगा, अवियंद्र एयरफोर्स, इंद्रा नेवी आर्मी। क्लियर हो गया। 379वां क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं तो 379 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। क्या बोल रहा थी 379 कि अभी G20 की ब्यूनस आयर्स में एक समिट हुई थी है ना, उसका थीम क्या था 2018 में? ठीक है, वो राष्ट्राध्यक्षों वाली समिट नहीं थी, वो समिट किस लिए हुई थी? बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उसको पाने के लिए एक कंसेंसस, एक समान, मतलब एक विचारधारा डेवलप की जाए, ये थीम था। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में पड़ता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल इंडिया ब्रिटेन बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, भारत और ब्रिटेन की नौसैनिक अभ्यास को क्या कहा जाता है? अभी दिसंबर में हाल ही में हुई थी 2018 में, कोंकण 18 गोवा में हुई थी। ठीक है, गोवा में, तो वेस्टर्न कोस्ट पर हुई थी, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट टाइगर, रैंक वन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, 382वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलैंड के शहर में COP UNFCCC के कन्वेंशन ऑफ पार्टीज की 24वीं बैठक पोलैंड में हुई है इस वर्ष, लास्ट जो बीता है समय दिसंबर, वो पोलैंड के किस शहर में हुई है? तो आंसर है कैटोवाइस। आंसर क्या है? कैटोवाइस, ई फॉर अमेरिका, ई फॉर इंग्लैंड वाला ई। ठीक है, COP 24 कहाँ हुई है? पोलैंड में हुई है। वैसे क्वेश्चन तो इतने में काम चल जाएगा। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना। नेक्स्ट है, मालदीव्स की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मालदीव्स की पार्लियामेंट का मजलिस बोलते हैं। अब ये न्यूज़ में भी थे, वहाँ भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया और इसमें जो वहाँ के सलाह जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो भारत के काफ़ी अच्छे सपोर्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो चुका है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हटाते हैं, 384वां क्वेश्चन हटा रहे हैं। 385th क्वेश्चन क्या है कि नासा का इनसाइट के नाम से जो सेटेलाइट भेजा गया था वो किस प्लैनेट पर भेजा गया है? इनसाइट फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन गॉड्सी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, और ये भेजा गया मार्स पे, मंगल पे। तो नासा का इनसाइट मिशन मंगल ग्रह, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और जो द बेस्ट स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, मतलब किस स्टेट को रैंक वन दिया गया है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव अंगों को दान किया गया है? आंसर है तमिलनाडु। आंसर क्या है? तमिलनाडु। डन। पंडित केशव प्रकार गिंडे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये किसके लिए फेमस है? बांसुरी वादन के लिए। किसके लिए फेमस है? बांसुरी वादन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 388 हम नहीं देख रहे हैं, 389
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड, देखिए आपको मैंने बताया था कि ड्रोन अब ऐसे नहीं उड़ा सकते आप, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से, जो उड्डयन मंत्रालय है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ऑनलाइन परमिशन लेने के लिए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, बी फॉर बॉम्बे। क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। मुझे एक बार चीज़ें देख लेने दीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से टचअप कर सकूँ। ये ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 8 इंडस्ट्रीज, भारत के कोर सेक्टर में क्या इंक्लूडेड नहीं है? कोई मतलब नहीं है इसका, टेक्सटाइल वैसे इंक्लूडेड नहीं है, बाकी कोल, सीमेंट, पेट्रोलियम सब कोर सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आप लोगों के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों के आगे, 351वां क्वेश्चन, कि FSSAI जो हमारी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि खाद्य पदार्थों को रेगुलेट करती है, उनके मापदंड तय करती है, और इसकी परमिशन के बाद ही कोई फूड जो पैकेट फूड है वो या कोई भी खाद्य पदार्थ मार्केट में आता है, उसने ट्रांसफैट के बारे में अवेयरनेस फैलाई है कि ट्रांसफैट कितना हमारे हार्ट के लिए खतरनाक होता है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया या एक कैंपेन चलाया, उस कैंपेन का नाम क्या है? हार्ट अटैक रिवाइंड। क्या है? हार्ट अटैक रिवाइंड। ठीक है, डी फॉर दिल्ली, डन। नेक्स्ट है, अभी ट्रेनों की आवागमन पे कोई निगरानी रखने के लिए कि सही समय पे ट्रेन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सही टाइम पे ट्रेन पहुंचे, इसके लिए एक ई प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है रेलवे मंत्रालय की ओर से। क्या नाम है उसका? ई दृष्टि। क्या नाम है? ई दृष्टि। डन हो गया। नेक्स्ट 393वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाँ, कि किसको NSDC का चेयरमैन बनाया गया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के में किसको इस बार इसका चेयरमैन NSDC का बनाया गया है? तो इसका आंसर पेपर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। अनिल मणिभाई नायक, ई फॉर अमेरिका, अनिल मणिभाई नायक। नेक्स्ट है, किसको फ्रांस का एक बड़ा सम्मानित पुरस्कार मिला है, नाइट ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर, है ना, ये पुरस्कार दिया गया, फ्रांस का बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, किसको दिया गया, किस भारतीय नागरिक को दिया गया? अजीम प्रेम जी। किसको दिया गया? अजीम प्रेम जी, विप्रो के मालिक और बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, मानवतावादी हैं, बहुत संपत्तियाँ उन्होंने अपनी दान में दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 395वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कि हुज पेंटिंग, अभी एक दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के नाम से एक पेंटिंग थी जो 20 करोड़ में नीलाम हुई है, वो पेंटिंग किसने बनाई थी? तैयब मेहता, तैयब मेहता। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 396 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सी ए लॉन्च ए सिंगल इमरजेंसी नंबर 112, मतलब भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसने सिंगल इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया है, कि मतलब 112, इस नंबर पे आप एम्बुलेंस भी बुलाइए, इस नंबर पे आप पुलिस को भी बुलाइए, इस नंबर पे आप फायर ब्रिगेड बुलाइए, सबके लिए एक नंबर 112। और स्टेट है हिमाचल प्रदेश, स्टेट है हिमाचल प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CSIR भारत का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इज सेटिंग अप ए हाई एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन चंडीगढ़ इन पार्टनरशिप विद विच मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी, मतलब एक MNC फार्मा कंपनी के साथ मिलकर CSIR ने एक स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर खोला है चंडीगढ़ में, वो कंपनी कौन सी है? तो है मर्सेक, MERC के, फाइजर नहीं होगी, बहुत सी जगह फाइजर दिया तो फाइजर इसका आंसर नहीं है, मर्सेक इसका आंसर है। नेक्स्ट 398, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की नौकरियों में, शिक्षा में मराठी लोगों को 16% का आरक्षण दिया है, 16% का रिजर्वेशन दिया है, खत्म। 399वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट है पास्ड ए बिल टू रीनेम इट्स ग्रीन यूनिवर्सिटी एज रानी रशमोनी ग्रीन यूनिवर्सिटी, ग्रीन यूनिवर्सिटी को रानी रशमोनी, बंगाली नाम है बंगाल में, चलिए वेस्ट बंगाल, नामकरण बदला है, उस क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, RBI ऑन नवंबर, ये क्वेश्चन हटाना है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, हम 400वां क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही 401 से लेकर 450 तक। थैंक यू सो मच।